वेलकम टू ASF। इसको असेंबल करने के लिए पहले इसको सजाना चाहिए। फर्स्ट 1A को लीजिए और इसका जो डाउन साइड है डाउन साइड को डाउन साइड में रखिए, और जिसके साइड पे स्टिकर लगा हुआ है उसको अंदर रखिए तो फिटिंग करने में सुविधा होगा। इसके बाद 1B जो है उसको जहाँ रखा गया है वहाँ पे रखिए। सिमिलरली और एक जो 1B है उसके ठीक नीचे रख दीजिए। एश्योर कीजिए वो जो लाइन कटा हुआ है उसके अंदर ठीक से बैठे, तो उसमें आपको जो असेंबल करने में सुविधा होगा। स्टिकर साइड हर वक्त अंदर रखिए। ये जो स्क्रू है ये दो स्क्रू फास्ट सेल्फ के लिए हैं और ये दो स्क्रू सेकंड सेल्फ के लिए हैं, और बोथ साइड में स्क्रू को अटैच कर दीजिए। स्क्रू को रखने के बाद ये जो 2D है वो डाउन साइड के साथ लगा दीजिए। एश्योर करें जो स्टिकर वाला पार्ट है वो अंदर रहे। अब जो 2U है उसको अंदर रख लीजिए, वो ऊपर वाला पार्ट है। अब ये जो स्क्रू है उसको ठीक करके असेंबल कर लीजिए। हर तरह की स्क्रू को पहले ठीक से बांध लीजिए। पहले दोनों साइड का जो स्क्रू है उसे लगा लीजिए, दैट मीन्स 1A एंड 1B, इस दो पार्ट को लगा लीजिए। ये दो पार्ट सेम साइज का है। इसके बाद वो जो अपर पोर्शन और डाउन पोर्शन है उसको ठीक से बांध लीजिए। इसको ठीक से मिलाने के बाद वो जो स्क्रू है उसको अंदर लगा दीजिए। स्क्रू ड्राइवर से प्रेस करके दोनों साइड लगा लीजिए। इसके बाद इसको वॉल में हैंग करने के लिए ये जो क्लिप दिया गया है उसको ठीक से असेंबल करिए एंड मेक श्योर को ये जो एज है ठीक से मिल रहा है। उसके बाद जो छोटा स्क्रू है उसको प्रेस करके वो तीनों जगह पे रख दीजिए। उसके बाद स्क्रू ड्राइवर लेके ठीक से प्रेस करके लगा दीजिए। कोई ड्रिलिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है, थोड़ा प्रेस करने में ये आराम से अंदर घुस जाएगा। इसी तरह से तीनों स्क्रू को ठीक से असेंबल कर लीजिए। इसके बाद वो जो दूसरा साइड है उसको भी सेम तरह से टाइट कर लीजिए, और ये जो बड़ा स्क्रू है उसको वॉल में ड्रिल करके लगा लीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।